आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और एडजस्टमेंट, दैट इज अ कलर बैलेंस, जो कि बहुत 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 काम की चीज है। जब हम किसी दो तस्वीरों को आपस में मिलाते हैं, समटाइम्स कहीं पर कुछ डिफरेंट टोन होती है, दूसरे इमेज में कोई दूसरी टोन होती है, उन सबको मिला करके किस तरह से एक जैसा करना है वो हम कलर बैलेंस से करते हैं। नाउ पिछली क्लास में जो आप लोगों ने देखा था ह्यू एंड सैचुरेशन, वो स्पेसिफिकली इसलिए था कि आप किसी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप कलर चेंज करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट का नहीं, लाइट का कलर। मतलब देखें, हर वक्त आपके इर्द गिर्द जितनी लाइट्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह के वक्त जो है थोड़ी सी ब्लूइश लाइट होती है सुबह सवेरे, एंड लाइक दोपहर का जब टाइम होता है आफ्टरनून वाला, वो बिल्कुल व्हाइट लाइट होती है। एंड जैसे जैसे शाम होती जाती है तो गोल्डन आवर वाला जो है वो थोड़ी सी येलो लाइट होती है, एंड उसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट्स के कलर चेंज नहीं होते हैं लेकिन एनवायरनमेंट की टोन चेंज हो रही होती है, और वो हम एडजस्ट करेंगे कलर बैलेंस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये मैंने एक लैंडस्केप यहाँ पर ओपन किया हुआ है और बहुत ही डल से इसमें कलर्स हैं, बिकॉज ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्काई पे क्लाउड्स हैं, ओवरकास्ट हुआ हुआ है, एंड नीचे ग्रीनरी है, बट ओवरऑल टोन बड़ी डल सी है ना। अगर इसको मुझे थोड़ा सा कलर्स चेंज करने हो, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई मीन कलर नहीं, लाइट का कलर चेंज करना हो, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से सिंपली जाएंगे अपने एडजस्टमेंट लेयर पे एंड लेंगे कलर बैलेंस। नाउ कलर बैलेंस के पैनल को अगर मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, पहले आपके पास यहाँ पर टोन आ रही है, सबसे पहले शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट। नाउ जहां पर भी लाइट पड़ती है वहां पर आपके पास तीन टोन्स होती हैं, शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। शेडोज वो एरियाज होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा डार्क एरियाज होते हैं, मतलब अंधेरा होता है, और जो हाईलाइट्स होती हैं वो एरिया होती हैं जहां पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही होती है, एंड देन बीच में जो उनके जो भी चीज होती है दैट इज मिड टोन्स। एंड यहाँ पर आपके पास तीन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये इसीलिए हैं कि आप जो भी चीज पे कलर एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप वो पहले सेलेक्ट कर लें। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी शेडोज हैं वहां पर थोड़ा सा रेडिश टोन आना शुरू हो जाए। सीधा सी आपके सिर्फ शेडोज में ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा, ये ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं हो रहा है, हो रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम जो चेंजेस आ रहे होंगे वो डार्कर एरियाज में आ रहे होंगे। या इसको हम यूं कर लें कि मैं इसको मजेंटा टोन देना चाह रहा हूँ, या ग्रीन टोन देना चाह रहा हूँ, या सियान टोन देना चाह रहा हूँ, या रेड टोन। ये आपके पास इस तरह से कुछ स्लाइडर्स दिए हुए हैं जिसके वजह से आप ओवरऑल इमेज में टोन चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर शाम वाला टाइम बनाना चाह रहा हूँ। देखें, दिन में तो इस तरह की रोशनी होती है लेकिन मैं शाम के वक्त देखना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से लगेगा, तो मैं शेडोज में थोड़ा सा रेड एंड येलो ऐड कर रहा हूँ, एंड एंड हाईलाइट्स में भी थोड़ा सा येलो, मजेंटा एंड रेड। देखिए मैं वार्म कलर्स की तरफ जा रहा हूँ, एंड फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा मिड टोन से। एंड सी दिस, ये आपकी बहुत हद तक वार्म कलर की टोन्स आ चुकी हैं। अब ये आप जितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। एंड अगर मैं इसकी ये एडजस्टमेंट लेयर हाइड करूं तो आपको अंदाजा होगा कि ये इमेज पहले ऐसा था और अब ये इमेज ऐसा है, तो आपके सामने बहुत ही प्रोमिनेंट सा डिफरेंस मौजूद है ना। ऑब्वियसली अगर ऐसे मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, डेफिनेटली मैं इसको कुछ अच्छा सा करना चाहूंगा। मैं ये एडजस्टमेंट लेयर डिलीट कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला स्काई मैं इस इमेज पर अप्लाई कर दूँ, मतलब ये स्काई हटा दूँ और ये वाला स्काई लगा दूँ विथ सनलाइट। एंड या किस तरह से लगेगा, बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो मैं इसमें से स्काई रिमूव करूंगा, एंड स्काई रिमूव करने के लिए मैं जल्दी से क्विक सिलेक्शन से स्काई की सिलेक्शन ले रहा हूँ, एंड लाइक सो। और ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैसे, स्काई को सेलेक्ट करने के हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे जब चैनल्स यानी अल्फा चैनल जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं उसके थ्रू भी सिलेक्शन की जा सकती है। बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि अभी आ रहा होगा कि सर अल्फा चैनल के थ्रू सेलेक्ट कर लें, अभी पढ़ाया नहीं है तो अभी करूंगा भी नहीं, राइट? डेफिनेटली जब पढ़ाऊंगा तब करेंगे इसको। एनीवेज, सो ये मैंने बड़ी सिंपल सी एक सिलेक्शन ले ली, कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ ताकि सिलेक्शन इनवर्स हो जाए, और इस जगह को मैं थोड़ा सा सही करना चाह रहा हूँ तो मैं हेल्प ले रहा हूँ सेलेक्ट एंड मास्क की, एंड यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा ब्रश फेर रहा हूँ, एंड आई बिलीव के जो रिमेनिंग मेरे ट्रीज हैं वो वापस आ जाएंगे स्मार्ट।
radius. That's it. I think done. यहां से मैं ले रहा हूं new layer with layer mask and okay. ये आ गई मेरे पास एक new layer with mask. Now, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये sky वहां पर लाना है. So, मैं दो तीन तरीके हैं. मतलब यहां से drag and drop कर लूं. इस वक्त मैं full screen पर हूं, तो drag and drop का कोई फायदा नहीं है. ज्यादा बेहतर है कि मैं control C and यहां पर आके control V कर लूं. Right? इस layer को मैं नीचे रख रहा हूं और sky को adjust कर लें जहां पर आपको लगाना है. I think यहां पर बिल्कुल सही है. ठीक है जी. Now, अब चंद चीजें ये दिमाग में रखें कि जब इस टाइम में पहली बात तो अंधेरा ज्यादा होता है. सो मैं सबसे पहले तो इस इमेज में अंधेरा करने लगा हूं. मैं यहां से ले रहा हूं आपके कर्व्स और कर्व्स के थ्रू मैं इसको थोड़ा सा यहां नीचे ला रहा हूं, साथ ही साथ इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं. देखें अंधेरा हो तो रहा है, लेकिन गौर से देखें क्या हो रहा है कि मेरे स्काई को भी ये डार्क करने लगा है. दैट मींस कि आपकी एडजस्टमेंट लेयर मुझे सिर्फ इस वाली लेयर पर अप्लाई करनी है जिस पे मेरी लैंड है. स्काई पर मुझे ये एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं करनी है. अब वो किस तरह से करेंगे? बहुत सिंपल सा काम है. क्लिपिंग मास्क, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, यहां लिंक दे दिया है, क्लिपिंग मास्क जाके देख लें. ये बेसिकली क्लिपिंग मास्क के थ्रू होगा. सो यहां पर आप ऑल्ट दबा के दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो एडजस्टमेंट लेयर है वो सिर्फ इस पर अप्लाई हो रहा होगा. राइट. दूसरा एक तरीके का, आपका जो कर्व्स का जो पैनल है, यानी कि जो एडजस्टमेंट लेयर का पैनल है, उसमें भी आपके पास यहां पर एक ये बटन दिया हुआ है, दैट इज दिस वन. ये अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सिर्फ इसी लेयर पर अप्लाई हो रहा होगा एडजस्टमेंट. सीधे अगर मैं आप हाइड करूं तो आपके स्काई पे कोई चेंज नहीं आ रहा, आपके जो लैंड है उसके ऊपर चेंज आ रहा है. नाउ दिस इज डन. सो यहां से मैं अब दूसरी आपकी कलर बैलेंस की एडजस्टमेंट ले रहा हूं और बड़ा सिंपल सा काम ये कि मैं शेडोज में थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो ऐड कर रहा हूं. आई थिंक येलो थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है यार. राइट. एंड हाइलाइट्स में मैं थोड़ा सा येलो एंड रेड ऐड कर रहा हूं, साथ ही साथ थोड़ा सा मजेंटा ऐड कर रहा हूं, लाइक सो. एंड अब याद रखिएगा कि ये एडजस्टमेंट सबके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर दें ताकि आपको सिर्फ इस पर रिजल्ट दिखे. अगर मैं इसको हटा दूं तो देखें आपके स्काई में भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूं. नाउ थर्ड काम, मैं मिड टोन्स में जा रहा हूं और इसको येलो कर रहा हूं एंड रेड की तरफ ला रहा हूं. सो आई गेस यस, हमारे कलर्स तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं. एक चीज और मैं इसमें करना चाहूंगा कि देखें इस वक्त करंटली यहां पर भी अंधेरा है, ठीक ठाक अंधेरा है. एंड अगर मैं ये हटा दूं हमारी, तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट चीज आ रही है. राइट. बट हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा और ब्राइट आ जाए. मैं एक और जल्दी से कर्व की एडजस्टमेंट ले रहा हूं और इसको भी मैं इसी के अंदर क्लिप कर रहा हूं और इसको मैं ब्राइट कर रहा हूं. नाउ मुझे पूरे पे ब्राइट नहीं करना था, मुझे सिर्फ इतना करना था जितने में ये मेरा सूरज की रोशनी जहां से आ रही होगी, मतलब यहां पर तकरीबन आ रही होगी, कुछ यहां पर रोशनी आ रही होगी, इस जगह पर एंट्रीज की वजह से अंधेरा आ रहा होगा. सो मैं जल्दी से देखें क्या कर रहा हूं कि इस पूरे मास्क को ब्लैक कर रहा हूं. आप कंट्रोल आई कर लें सिंपली, मतलब इनवर्स हो जाएगा. और अपना ब्रश लेकर सॉफ्ट ब्रश लीजिएगा और अपना फ्लो कम रखिएगा. देखें ये सॉफ्ट ब्रश है, हार्डनेस जीरो है. बड़ा सा ब्रश लें और बहुत स्लोली यहां पर व्हाइट फेड़ना शुरू करें, जिससे क्या होगा कि इन जगहों पर थोड़ी सी रोशनी बनना शुरू हो जाएगी. ये वही है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्राइट किया था. एंड सी दिस, ये हो गया कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से. नाउ अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो तो फिर ब्लैक फेर दें यहाँ पे, या समवॉट लाइक दिस. इस जगह पे भी मैं डार्क करना चाह रहा हूँ. एंड या आई गेस हमारा काम हो गया. सो दैट्स इट. आई होप आप लोगों को कलर बैलेंस भी समझ में आया होगा और ये जो मैंने दो इमेजेस को ब्लेंड किया है ये भी समझ में आया होगा. और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें फेस कर रहे हैं. कलर बैलेंस खत्म नहीं हुआ है, कलर बैलेंस को आगे भी हम बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे. जैसे जैसे आप जितना ज्यादा इन चीजों को यूज करेंगे आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा. आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.